एवरीवन, ये आज का जो वीडियो है हमने स्पेशली कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल और क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज इकबाल, ये जो चैनल है कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल का एक परिचय है कि आखिर इस चैनल पे किन किन विद्यार्थियों को फ़ायदा होने वाला है और इस चैनल का पर्पस क्या है। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के कारण 2-3 महीना घर में पूरे तौर पे बंद रहना पड़ा, 12 अप्रैल को हमने पहला वीडियो अपलोड किया और ये समझने लगा कि अब आवश्यकता हो गई है कि आप YouTube पे आएं और जो स्टूडेंट की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें, उनकी नेसेसिटी की। तो हमने धीरे धीरे, मैंने, जाहिर सी बात है आप जान रहे हैं YouTube एक टेक्नोलॉजी है, इस पे वीडियो बनाना एक कोई आसान काम तो नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, साउंड है, माइक है और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं, बट लक्ष्य ये था कि बच्चों को कवर किया जाए, एक बड़े मास को कवर किया जाए। और इसमें मैं आपको ये परिचय देना चाहता हूँ कि ये जो कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो दिग्भ्रमित है, उन्हें पता नहीं है कि कहाँ से क्या तैयारी करें और कुछ भी उठाते हैं, कुछ भी वीडियो देखते हैं, वो चीज़ नहीं चलेगा। ये थोड़ा अलग है, थोड़ा आपको डिफरेंट होना पड़ेगा और डिफरेंट स्पेशल होने के लिए स्पेशल तो आपको ऐसे भी करना पड़ेगा। देखिए, इसमें उन सारे विद्यार्थियों के लिए बेनिफिट है जो तैयारी करना चाहते हैं IAS की, PCS की, ग्रुप सी की, SSC की, CDS की, NDA की और लेक्चरशिप की, TET की, BEd की, आर्मी की, पुलिस की, सब के लिए कुछ न कुछ कंटेंट अवेलेबल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे एग्जाम है, जैसे CDS है तो वहाँ मैथमेटिक्स भी है, इंग्लिश भी है, वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। GK और GS से रिलेटेड जितने भी पोर्शन है वो आपको पूरा कवर होता है, जैसे IAS का है, जैसे PCS का है, SSC का है, ग्रुप सी का है, बैंक का है और जितने भी हैं CGL का है। इसमें क्या है कि एक बेसिक GK है जो कवर करता है हर एक एग्जाम को। पहले आपको जो जो व्यक्ति शुरुआत करना चाह रहा है कुछ तैयारी करने के लिए, चाहे IAS की, चाहे PCS की, चाहे ग्रुप सी की, चाहे आर्मी की, चाहे पुलिस की, वो उस बेसिक GK को पहले स्ट्रॉन्ग करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो GK है कहाँ, बच्चे पूछते हैं वो कहाँ पे है। तो इसलिए मुझे ये सारी स्थिति बताने के लिए, उसका पोजीशन क्या है, कैसे आप ढूंढेंगे, क्या क्या मटेरियल इसमें अवेलेबल है, उसको बताने के लिए हम आपके सामने आए हैं। तो GK का एक सीरीज है 105 वीडियोस में, GK 1 से GK 105। आप क्या करेंगे कि आप जब कोई कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल की वीडियो आप सुन रहे हैं तो आप कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल लिखा होगा नीचे, उसको टच करेंगे, मेन चैनल पे जाएंगे, वहां ऊपर में एक लिखा होता है वीडियो, वीडियो को टच करेंगे तो सारी वीडियो आ जाएगी। उसके बाद लिखा होता है प्लेलिस्ट, जब आप प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो प्लेलिस्ट का मतलब विभिन्न प्रकार के वीडियो की श्रेणियां हैं। तो प्लेलिस्ट में आएगा GK 1 to GK 105, उसको आप शुरुआत करें GK 1 से, और GK 1 सबसे नीचे होगा, प्लेलिस्ट का नाम होगा GK 1 से GK 105, उसको आप टच करेंगे तो वहां आपके लायक सारी वीडियो है, उसकी पहले तैयारी आप करें GK 1 से GK 105, 35 दिन में आप इसको कंप्लीट करें। और साथ में उसमें एक एक प्लेलिस्ट होगा करेंट का, उसमें 50 वीडियो होगा, उसको आप कंप्लीट करें, लिख के करें, बार बार सुने। उसके बाद कई टेस्ट सीरीज है, GK टेस्ट सीरीज है, करेंट टेस्ट सीरीज है, सारी प्लेलिस्ट में है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट है, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, करेंट की प्लेलिस्ट है, उत्तराखंड की प्लेलिस्ट है, इन और साइंस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट है। इन सब को आप प्रैक्टिस करते रहे, लीजर टाइम में सारे टेस्ट सीरीज आप सुनते रहे, बट आप जैसे तैसे सुनेंगे
उससे काम नहीं चलने वाला है। मेरा यह कहना है, जैसे आप साइंस टेस्ट सीरीज सुन रहे हैं, आपके लिए जो जो तैयार किया गया है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तैयार किया गया है। जीके टेस्ट सीरीज, जीके वन से टेस्ट सीरीज आप सुने, साइंस टेस्ट सीरीज साइंस वन से टेस्ट सीरीज आप सुने, उसी तरह करेंट टेस्ट सीरीज करेंट वन से सुने, उसी तरह हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज हिस्ट्री वन से सुने, कॉन्स्टिट्यूशन की टेस्ट सीरीज कॉन्स्टिट्यूशन वन से सुने, उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज है उत्तराखंड वन से सुने। आप सिस्टमेटिक तैयारी करें, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप उठा लिया कुछ भी सुन लिया। तो ये मैसेज इसी के लिए, मैं आपको ये बताऊं कि 5 महीना हो गया हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, 5 महीने में लगभग हमने 400 वीडियो डाल दिया है, 400 वीडियो अपलोड हो गया दोनों चैनल पे, इसमें 350 कैरियर गाइड पे, और आप समझिए कि 5 महीने के अंदर यानी 150 दिनों में 400 वीडियो को अगर आप प्रोपोर्शनेट में देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 3 वीडियो हमने हर दिन डाला है, पोस्ट किया है, और इसमें मेहनत हमारी लगी है मोर देन 8 आवर्स हर दिन, मतलब अप्रैल से लेके आज तक मैं 8 घंटा से ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं। हम में और औरों में क्या फर्क है यह भी आप जान लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हर चीज को साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी आपको दे दिया, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन बाय वन क्या कह रहे हैं कि संघ, उसका राज क्षेत्र, उसके बाद नागरिकता, उसके बाद मूल अधिकार, सबके क्वेश्चन जो है सीरीज में है। और एक खास बात, हम ऑप्शन नहीं देते हैं। ऑप्शन क्यों नहीं देते हैं ये भी आप लोग जान भी रहे हैं और जान लीजिए। देखिए ऑप्शन हमें कमजोर करता है। अगर सही मानों में आप चाहते हैं कि तैयारी करें तो आपको भीड़ से अलग करना पड़ेगा। भीड़ जो ऑप्शन के चक्कर में है, आपको ऑप्शन के चक्कर में नहीं रहना है। सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है और आपको यह बात याद है तो क्या ऑप्शन की जरूरत पड़ी? आपको तो याद है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, तो कहां आप ऑप्शन मांग रहे हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन से उदाहरण देता हूं। भारत में गुलाब के फूलों की कितनी प्रजातियां हैं? तो इस उदाहरण से समझिए कि भारत में गुलाब के फूलों की कितनी प्रजातियां हैं। अब आप कहेंगे ऑप्शन दीजिए, तो चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 440, 320, 272, 118। तो क्या आप आंसर तक पहुंच पाते हैं? तो साबित हुआ ना कि ऑप्शन से आप सीखते नहीं हैं। अगर आपको नॉलेज है तो ऑप्शन की जरूरत नहीं, ऑप्शन आपको वीक करता है। तो एक चीज और है, दूसरा इसका लॉजिकल पहलू यह है, जो भीड़ कर रहा है वही आप करेंगे तो आप कामयाब होंगे। जो भीड़ कर रहा है, मेरा यह मानना है कि जो भीड़ कर रहा है क्राउड से आप अलग करें, आप डिफरेंट करें तभी आप कामयाब होंगे। आप उसी काम को अलग अंदाज से करें। अब कोई पढ़ रहा है भारत की राजधानी कहाँ है, ऑप्शन में ढूंढ रहा है दिल्ली मुंबई पटना इलाहाबाद दिल्ली, टिक लगा दिया। आप डायरेक्ट पढ़ेंगे भारत की राजधानी है दिल्ली, इसको कहते हैं वन लाइनर भी कहते हैं। बहरहाल मैं वन लाइनर के भी फेवर में नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक ही पेपर को पूरा होलिस्टिक अप्रोच से आप पढ़ें। अब मैं उसका उदाहरण आपको देता हूं। हमने जो तैयार किया है, जैसे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, जैसे हमने इंडियन हिस्ट्री तैयार किया, तो साइंटिफिकली चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज तैयार किया। आप क्विज गुरु डॉक्टर फरोज इकबाल पे जाइए, आईएएस पीसीएस के लिए बेहतरीन मटेरियल अवेलेबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संघ उसका राज क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, सारे हर एक टॉपिक, मूल कर्तव्य, चैप्टर वाइज वहां क्वेश्चन की प्रैक्टिस है और बहुत बेहतरीन है, सिस्टमेटिक है। उसी तरह हिस्ट्री हड़प्पा सभ्यता से लेकर आधुनिक काल तक सिस्टमेटिक तैयार किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ वन लाइनर पढ़ें, वन लाइनर भी अगर आप पढ़ते हैं लेकिन उसी चैप्टर को होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ते हैं तो ये आपके लिए साइंटिफिक होगा। जैसे आप मूल अधिकार पढ़ रहे हैं तो मूल अधिकार, आप मान लीजिए सामान्य ज्ञान कहीं से कुछ भी उठा रहे हैं और एक बार पढ़ रहे हैं मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं और फिर चले जा रहे हैं मूल कर्तव्य में,
तो ये नहीं है, मूल अधिकार को पूरा कंप्लीट कीजिए। तो हमने बाजाबते आप साइंटिफिक तरीके से तैयार किया है, तो हर एक टॉपिक है, हिस्ट्री भी है, टेस्ट सीरीज है, उसकी प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, जीके टेस्ट सीरीज है, प्लेलिस्ट में आप जा करके देखिएगा, करंट टेस्ट सीरीज है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए, साइंस टेस्ट सीरीज है, प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसी तरह करंट टेस्ट सीरीज है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के, और जीके 1 से 105 है जो प्लेलिस्ट में आप जाइए, और वहां से ऑन एन एवरेज डेली 2-3 वीडियो आप पढ़ें। और अहम बात यह है कि आप एक और काम करें कि लीजर टाइम जो आपका होता है, आप समय बिल्कुल बर्बाद ना करें, हर एक समय की 1 मिनट की कीमत है, आप इस चीज को समझिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। इसीलिए गीता में कहा गया कर्म करो फल की इच्छा ना करो, कर्म करते जाओ फल तो मिलेगा ही। अब एक चीज आप ये बनाइए, एक मैं आपको तर्क से समझा रहा हूं, आपको IAS बनना है या आपको PCS करना है, सपोज आपको IAS करना है या PCS करना है, तो क्या हर दिन आप IAS करेंगे? आप लक्ष्योन्मुख रखिए, लेकिन कर्म प्रधान बनिए, कर्म पे आपको फोकस करना है। लक्ष्य तो आपको एक दिन मिलेगा, कभी 2 साल पे 4 साल पे कभी मिलेगा आपको लक्ष्य, और मिलेगा तो आप कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। और नियत का बहुत बड़ा रोल है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आप जो भी काम करते हैं इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशन, आपके सारे एक्शन इंटेंशन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आप काम को पूर्णता में करें, आधा अधूरा ना करें, साइंटिफिकली सबको सीखें। तो ये रहा कुल मिलाकर के कैरियर गाइड डॉक्टर अफरोज इकबाल का परिचय। इसमें एक विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्र का है और शहर में किसी कारणवश नहीं आ पाता है कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए, वो IAS PCS ग्रुप सी SSC आर्मी पुलिस की तैयारी, BA TET सारे कंपटीशन की तैयारी साइंटिफिक लेवल पे कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और कर्म से आप सबकी तैयारी कीजिए, टाइम बिल्कुल बर्बाद कीजिए, 1 मिनट जो आपका है बहुत कीमती है। अगर आप 1 मिनट में भी एक क्वेश्चन जान जाते हैं, और यकीन मानिए उस एक क्वेश्चन की वजह से आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है, इसकी भरपाई कर पाएंगे, आपको पता है कितना कीमती होगा वो एक क्वेश्चन आपके लिए। आप पता नहीं कितने साल बेरोजगार रहेंगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप पता नहीं कितनी परेशानी में आगे गुजारेंगे। तो इसलिए समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं कीजिए, और गीता की उस बात को जरूर मानिए, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। लीजर टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज सुनते रहिए, खाते पीते उठते बैठते कुछ भी आप कर रहे, कोई भी काम आप कर रहे, सो रहे हैं, आप टेस्ट सीरीज सुनते रहिए, ये आपको फायदा देने वाला है। और सारी टेस्ट सीरीज में आपको ये बताऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ड्राइव्ड है, सारे IAS PCS CDS NDA आर्मी पुलिस और ग्रुप सी में पूछे गए प्रश्न हैं, और अति संभावित है, मैंने बहुत सारी किताबों से काफी मेहनत करके संकलित किया है, तो इसका आप जरूर फायदा उठाएं। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट इसके लिए। और आप में से किसी को अब भी कंफ्यूजन हो कि कहां पे क्या है, तो आप हमसे पूछ लेंगे, प्लेलिस्ट में सब चीज है, इसका आप ख्याल रखेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।